नमस्कार, मैं मुकेश कुमार काशी हिंदू विश्वविद्यालय में बैठा हूं। मैं प्रयास करूंगा कल की न्यूज़ के बारे में। एक काफ़ी दुखद घटना घटी काशी हिंदू विश्वविद्यालय में अवस्थित IIT BHU में। IIT BHU का एक बच्चा जिसका नाम उत्कर्ष राज था, वो अब जिंदगी में नहीं रहा। उसने अपनी यह लीला समाप्त कर डाली। क्या कारण था अभी तक सभी अज्ञात हैं। वो लिमडी हॉस्टल में रहता था। 5 ईयर्स IDD प्रोग्राम में प्लानिंग एंड डिजाइन आर्किटेक्ट में वो पढ़ता था। एक अभी जानकारी मिली है, उनके पिताजी यहीं कार्यरत रहे, पहले सिविल इंजीनियरिंग में और अब काशी हिंदू विश्वविद्यालय में कार्यरत हैं। एक परिवार जो ठीक बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से बाउंड्री को क्रॉस करते हुए करीब 400 या 500 मीटर की दूरी पर रहता था उसका परिवार, वो आज अपने बच्चे से विलग है। हम अगर देखें तो सामाजिक परिवेश में आखिर हम क्या कर रहे हैं। कल कुछ बच्चों से शाम में बात हुई, कारण के दौरान पता ये चला, कुछ बच्चों का कहना था कि प्रेशर बहुत है, ग्रेड कैसे लाएं। कई बार फैकल्टी मेंबर्स के द्वारा किए गए अचानक ही कुछ अलग तरीके का व्यवहार भी बच्चों को प्रेशराइज कर डालता है। और बच्चों को कैंपस प्लेसमेंट का चूँकि दौर चल रहा था, तो ये भी कारण बताया जा रहा है कि कैंपस प्लेसमेंट भी एक कारण हो सक्था है। अलबत्ता घटनाक्रम ऐसा हुआ, उसके पिता रो रो कर बेहाल हुए, उनका इकलौता बच्चा था वो। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में अवस्थित IIT BHU अपने 3 कैंडिडेट खो चुका है, जो युवा पीढ़ी का सतत सबल बनते पढ़ाई करने के बाद। 2 PhD स्कॉलर और 1 BTEC जो IDD बंदा था, BTEC और MTEC इंटीग्रेटेड होता है। तो ये 3, मतलब हम कह सकते हैं कि 2023-24 के सत्र में, चूँकि ये सत्र जो है 30 मार्च को कंप्लीट होगा, ठीक है, 30 या 31 मार्च को कंप्लीट होता है, तो इस सत्र में करीब 3 बच्चे अपनी ज़िंदगी खो बैठे। क्या उचित लगता है? बहुत आसान लगता है। जो लोग जहाँ पे हैं उनको रत्ती भर का फ़र्क नहीं पड़ता। आखिर क्यों? काशी हिंदू विश्वविद्यालय पहले कभी ऐसा तो नहीं था? क्या प्रोफेशनलिज्म का ऐसा चादर ओढ़ना ज़रूरी था कि हम एक दूसरे से बात करने में सक्षम नहीं, एक दूसरे की राय लेने में, राय मशवरा लेने में हम इतने ज़्यादा संलग्न हैं मोबाइल में कि हम एक दूसरे को देखना तक दूर, अगर कोई आदमी कई चीज़ों से हमारे साथ विभेद कर लिया तो हम उसका नाम सोचना भी पसंद नहीं करते। पहले तो ऐसा नहीं था। स्थितियाँ इतनी विषम होंगी सामाजिक परिवेश में, शायद मुझे नहीं पता चलता, मैं भी अज्ञात हूँ कि समाज शायद ही ऐसा सोचता हो कि ऐसी स्थिति में वो आ जाए, अपनी पीढ़ी को सीढ़ी दर सीढ़ी बढ़ाकर विकास की स्थिति में अविकसित होकर जीना कैसा लगता है। उस बच्चे के परिवार से ज़रा जाकर पूछिए। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो 3-5 कारण हम बता सकते हैं जिनके चलते बच्चे सुसाइड के रास्ते पहुंच जाते हैं। पहला, उनके रिश्ते रिसने लगते हैं। तो रिश्तों का रिसना अगर समय से हट के अचानक ही रिस जाए तो एक प्रेशर ऐसा डेवलप हो सकता है जिसमें वो इंसान सोचे कि आखिर हम हैं ही क्यों। दूसरा, उसकी स्टडी, लेकिन शैक्षणिक व्यवस्था में तो इतने आयाम दिए गए हैं कि बच्चा अगर फेल भी होता है तो सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम दे सके और अपनी स्थिति को मजबूत कर सके आने वाले समय में। तीसरा, परिवार, जिस परिवार को एक बहुत ही आशा रहती है कि बच्चा पढ़कर सबल बने और एक हथियार के रूप में, हथियार थोड़ा निगेटिव लगता है, मतलब एक सशक्तता के रूप में वो परिभाषित हो सके हमारे घर परिवार के लिए। चौथा, हम एक आयाम ले रहे हैं जिसको बता रहे हैं कि लड़की, जैसे लड़की का मैटर ऐसा होता है चूँकि हर लड़के को एक लड़की मिलती है सामाजिक परिवेश में, तो हम यही कहते हैं कि जब शादी होती है तो शादी का उल्टा होता है दिशा, तो शादी के बाद दिशा वाली स्थिति में एक स्वर्णिम आयाम जीवन एक अनुभव करें जिसके चलते उसे समाज एक लड़की चुन कर देता है कि तुम अपने
साथ युग्मा और युग्मावस्था में ठीक है आने वाली पीढ़ी की सतत विकास के लिए अग्रसर हो। तो युवा पीढ़ी ठीक है, मैं मानता हूँ कि कई तरीके के फ्रेंड के आयाम हो गए हैं, तो लड़की का भी मैटर ऐसा होता है कि एक लड़की अब कहीं ना कहीं महिला सशक्तिकरण तो का तो एक बहुत अच्छा परचम फहरा दिया है इस भारत ने, लेकिन मुझे लगता है कि कहीं पुरुष सशक्तिकरण की भी तो ज़रूरत नहीं, क्योंकि पुरुष आज के समय में काफ़ी अव्वल हो रहा है। जहाँ पे उसके संबलता की आशा थी वहाँ पे निर्बलता का द्योतक होने लगा है पुरुष। और कहीं ना कहीं हम देखें तो इसके अलावा कुछ पर्सनल ऐसे कारण हो सकते हैं जिसमें मानसिक तनाव हो किसी भी चीज़ को लेकर। तो इन चार पांच कारणों को छोड़ दिया जाए तो मुझे कोई वैसा कारण दिखता नहीं, क्योंकि कमी सभी के पास है। लेकिन युवा पीढ़ी जिसको लेकर संपूर्ण धारा सशक्तिकरण का भाव स्वयं में महसूस करती है, उसके द्वारा उठाए गए ऐसे कदम बिल्कुल ही अनुचित नहीं। मैं चाहूँगा कि समाज इसका कहीं ना कहीं रास्ता निकाले, क्योंकि वो हमारे बीच का ही था जो अब नहीं है। धन्यवाद।